और उसके लिहाज से वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग होती है हॉल प्रोब के वोल्ट मीटर पे वो जीरो पॉइंट टू जीरो आपसे सवाल ये होगा कि अभी जब ये हॉल प्रोब पे जीरो पॉइंट टू जीरो की वोल्ट मीटर पे रीडिंग है तो ये क्वॉल वाले जो वोल्ट मीटर है इस इसमें क्या रीडिंग होगी तो क्या मुझे बताओ फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था फेरडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या लेंजेस लॉ जो परफेक्टेड लॉ था उसमें ये नहीं था ईक्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी ये पक्का पक्का जो है ये सब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं जब मुझे बताओ जब कांस्टेंट करंट है जब फाइव वैरी ही नहीं कर रहा है जब उसका कोई रेट चेंज ही नहीं है तो कॉल सी में कैसे कोई एम एफ एंडेश्वर है वेन यू हैव अ कॉन्स्टेंट करंट इन द सोल्ड वाइड सी हिल भी नहीं रहा ना इसमें करंट वेरी कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो तो इस वाले वोल्ट मीटर में तो जीरो आनी चाहिए रीडिंग क्योंकि ये इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस करोगे ना व्हेन देयर इज नो रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज देन देयर शुड बी नो ईएमएफ खत्म कहानी तो इस पे अभी इस केस में जीरो वोल्ट होगा ठीक है समझ आ गया सबको नो नेगेटिव वोल्टेज नो 0.20 वोल्ट कंप्लीटली जीरो होगा बिकॉज़ देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आपको कैसे पता क्या मतलब ईएमएफ इज -d5/dt अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ना ये तो कॉइल सी है

क्यों नहीं कर रहा तो उस तरीके से तो हो नहीं सकता अच्छा, तीसरा तरीका क्या होता कि ये वैरी करता अच्छा फाये वैरी करने का तरीका क्या है उसका फॉर्मूला है बी इन एरिया अब देखो बी क्या है उसके अंदर बी कॉन्स्टेंट है उसका एरिया सी का एरिया वो भी कॉन्स्टेंट है तो कैसे वेरी करे फायन वैरी When there is no change, then जो हमने क्वेश्चन भी करे है और डायग्राम बनाए हैं ग्राफ्स बनाए हैं तो ये बड़ा आप लोगों को अच्छी डिस्टिंगशन समझनी है कि हॉल प्रोब क्या मेजर कर रहा है क्वाइल क्या मेजर कर रहा होता है हॉल प्रोब मेजर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्वाल मेजर कर रहा है अपने अंदर इंड्यूसड ई एम एफ तो इसमें लेंजेस लॉ लग रहा है उसमें अपनी हॉल प्रोब वाली कहानी है ठीक है सो so, अभी फिलहाल इसमें 0.2 0 0 वोल्ट्स होंगे इस पे अच्छा अब आ जाते हैं इसमें द करंट इन सोलेनोइड एस इज नाउ रिवर्सड इन अ टाइम ऑफ 0.13 एट अ कांस्टेंट रेट अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है 0.13 सेकंड्स में करंट रिवर्स किया जाता है रिवर्स से मतलब क्या कि अगर आपके पास करंट आए था पहले ठीक है वो आय फाइनल था सॉरी अगर आगे पहले करंट था तो उसको रिवर्स करके आपने माइनस आय बना दिया कैलकुलेट द रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू क्वालसी डरिंग दूरिंग द टाइम दैट द करंट इज चेंजिंग करंट जब चेंज करना है अब ई एम एफ निकालना है तो यू ऑल नो ई एम एफ क्या था एम एफ था माइनस डी फाइव बाई डी टी अच्छा फाइव को हम खोल सकते हैं थ्रू माइनस डी बी इंटू ए अपॉन डी टी राइट अच्छा जी अब एरिया तो कॉन्स्टेंट है एरिया को बाहर ले आते हैं सो so, एरिया को जब मैं बाहर लिखा है सो माइनस ए इंटू डी बी बाई डी टी बन गया अच्छा अब देखो मुझे ये नहीं पता करंट का फॉर्मूला क्या है बी के लिए ठीक है बिकॉज ये क्वाइल इसके अंदर नहीं है तो म्यूनोट एन आई वगैरह इसमें से कोई चीज निकाल सकता बाकी मुझे इन्फॉर्मेशन भी दी हुई तो जरा आप इसको जरा समझो कि अगर करंट रिवर्स किया है तो लाजमी ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0.19 टेस्ला से माइनस जीरो टेस्ला गई होगी क्योंकि और कुछ नहीं चेंज किया आपने आपने सिर्फ करंट रिवर्स किया है सो बेसिकली 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 इधर हुआ क्या इधर हुआ ये कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनिशियल थी वो जीरो थी आपने उसको चेंज करके क्या बना दिया आपने उसको जीरो पॉइंट बना दिया रिवर्स कर दिया। so, ये कहानी हुई है अभी सो so, अगर आपको EMF देना है, वो कैसे दिया जाएगा वो दिया जाएगा अब दफा लिख लेते हैं डेल्टा बी किसर निकलता है और टाइम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है जब आप ये पूरी कहानी कर दोगे तब मैंने आपको आपको याद होगा मैंने बताया था पूरा एक टर्न के निकालने के लिए बाद

लेकिन याद रखिएगा गए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो इसकी कन्वर्जन पे आपको स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा फिर इन टू बी फाइनल क्या था बी फाइनल आपका था ठीक है जी बी इनिशियल आपका जीरो पॉइंट वन नाइन था ठीक है सो बी फाइनल माइनस जीरो पॉइंट वन नाइन माइनस बी इनिशियल ये आ गया डेल्टा टी क्या था आपका डेल्टा टी आपका था जीरो पॉइंट वन थ्री सेकेंड सो जीरो पॉइंट वन थ्री इधर आ गया

रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू सी वी बिफोर करंट चेंजेस तो करंट के चेंज होने से पहले कांस्टेंट करंट था कोई चेंज नहीं हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होता था लिंकेज में तो हमने वो डिस्कशन करी कि उसमें उस वक्त क्या होगा उसमें उस वक्त जीरो वोल्टेज हो ड्यूरिंग करंट व्हेन करंट चेंजेस जीरो यानी जब आपका करंट चेंज कर रहा था तो हमने वर्कआउट किया वो होगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री वर्ड तो ये आ रहा है आपके पास जीरो पॉइंट जीरो वर्ड्स और आफ्टर करंट चेंज हो चुका है रिवर्स हो चुका है बुरा यानी अब दोबारा से कांस्टेंट हो चुका है लेकिन अपने रिवर्सड वैल्यू पे तो दोबारा से मैग्नेट फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट जीरो फिर से हो गया ठीक है अच्छा रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू हॉल प्रोब बिफोर करंट चेंजेस 0.20 वोल्ट आफ्टर करंट चेंजेस क्या होगा हॉल प्रोब वाली रीडिंग -0.20 इट शुड बिकम फ्लिपड ठीक है और ये क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो रिवर्स हो गई हैं उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो अब वो हॉल प्रोब में एक डिफरेंट तरीके से वोल्टेज इंड्यूस कर रही यानी मतलब पूरा पूरा ऑपोजिट हो जाएगा अच्छा हूँ जब आपका करंट जो है वो जीरो था जब करंट चेंज हो रहा था यानी ये जीरो पॉइंट टू जीरो से इसकी रीडिंग माइनस जीरो पॉइंट टू जीरो जा रही थी और उस टाइम जब ये करंट जीरो था तो इन दोनों के बीच के ट्रांजिशन के वक्त क्या वोल्टेज होगा यहाँ पे So, ज जो, जो होता है वो हमने जब बैग्राउंड में डिस्कस किया था तो अक्सर लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है आहिस्ता आहिस्ता नहीं होता तो उस वक्त तो डिस्कशन करते हुए तक की बात थी ठीक है अगर इन रियल लाइफ सीनारियो देखोगे तो इसको मेरे ख्या से एक मिली सेकेंड दो मिली सेकेंड लगेंगे वैली तक चढ़ने में ठीक है उस वैल्यू तक पहुंचने में बेसिकली so यहां पे यही होगा अगर करंट आपका अगर आपका यहाँ पे आपका पे करंट जीरो हो गया यानी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आनी चाहिए वो भी यही फॉलो करनी चाहिए यहाँ पे भी जीरो आ जाना चाहिए फॉरन से एक दो मिली सेकंड की डिले होगी वो वो पूरी कहानी जिसमें हॉल प्रो की सारी कहानी होगी लेकिन इट शुड बी फॉलोइंग दिस मोर लेस क्लोजली ठीक है जी एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन सबको समझ में आया अच्छा जी अब आ जाते हैं मैं डिस्कस कर रहा था ये वाला सवाल ये वाला अच्छा सवाल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और आप लोगों को ये रीजनिंग वगैरह करनी आनी चाहिए क्या है क्या नहीं ठीक है मेरे पास अभी अगर मेरा पास मेरे वो चल जाता मैं कर रहा था कुछ अगर वो जाता मैं आपको मैजिक ट्रिक भी दिखाता लेकिन वो मैजिक ट्रिक हो नहीं पाई क्योंकि तो मेरे पास उसके जो तो है वो सामान नहीं रखा हुआ था खैर हम कुछ डिस्कस करेंगे और ये कहानी है एडी की ठीक है एम एम आई आई डिस्कसिंग डिस्कसिंग एडी एडी करेंट्स करेंट्स

तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है जब रेजिस्टेंस से फ्लो करता है तो गर्माई प्रोड्यूस होती है लेकिन वो कह रहे हैं कि जो गर्माई जो प्रोड्यूस हो नेग्लिजिबल है ठीक है थीके? तो उस केस इस केस इस में आप लोगों को वो नहीं लेना जो करंट के फ्लो होने की वजह से थ्रू अ रेजिस्टेंस गर्माई प्रोड्यूस हो है वो कहानी नहीं है ये बड़ा अच्छा हमारा ये कॉपर वायर है इसमें इतनी गर्माई प्रोड्यूस नहीं होती ठीक है थीके? तो आगे वो वाली डिस्कशन नहीं है आपसे पूछते हैं एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर ऑफ द कोर राइजेज यानी आप लोग ये देखोगे और आपके जो घर में इंडक्शन हीटर होंगे वो सब इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं वो क्या होता है वो समझते हैं तो इंडक्शन हीटर आप लोगों ने देखा होगा इंडक्शन हीटर में होता यह है कि यू हैव हाँ एक नीचे जो है वो एक ऐसी प्लेट सी कुछ बनी हुई होती है और उस पर एक खास स्टाइल ऑफ पतीली ही मतलब गरम होती है मतलब उसपे सारी पतीलियां गरम नहीं होती वो खास किस्म की पतीलियां होती हैं जो उस पर गरम होती है ठीक है अच्छा अब वो क्या कहानी है वो ये कहानी है कि ये जो चीज है जो नीचे लगी हुई होती है ये होता है एक इलेक्ट्रो मतलब इसमें जब हम पावर देते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है ठीक है अच्छा अब जब तुम इस पर पतीली रखते हो ठीक है अच्छा पावर कैसी दोगे इसमें ऑब्वियसली तुम्हें क्या देनी पड़ेगी तुम्हें ऑल्टरनेटिंग करंट देना पड़ेगा ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों देना पड़ेगा वो समझाना आपने अगर इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया ठीक है और आप इस पर अपनी पतीली अब इस पर रख दोगे तो होगा क्या यू हैव पुट इन ऑल्टरनेटिंग करंट अब इफ इट हैज एन ऑल्टरनेटिंग करंट तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसका जो है वो फाइव में कोई ना कोई चेंज हो रहा होगा राइट right? क्योंकि इसके अंदर से फील्ड स्ट्रेंथ वेरी कर रही होगी करंट जो है वो डायरेक्शन रिवर्स कर जा रहा है फील्ड स्ट्रेंथ भी डायरेक्शन रिवर्स करती जाएगी तो फाइव में चेंज आता रहेगा पूरा कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट सम थ्रू आउट द पीरियड फाइव में चेंज आता रहता है अच्छा अब फाइव में जो चेंज आता है आपको पता है अच्छा अब आपने रखी है पूरी की पूरी एक साबुत्पत्ती ठीक है और पतीली जो है वो आपकी है फेरोमैग्नेट की यानी मतलब आयरन की है ठीक है अच्छा अब यू नो you know, जब फाई का चेंज होगा तो ये इसमें करंट इंड्यूस करेगा राइट इट विल इंड्यूस अ करंट इन अच्छा पतीली में जो करंट इंड्यूस होगा अब देखो पतीली एक तार तो है नहीं कि उसमें करंट की डायरेक्शन एक ही हो पतीली तो पूरी बाकायदा पूरी सामुदिक पतीली है उसमें कैसा करंट इंड्यूस होगा तो इसमें ये कहानी होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे करंट बनाते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ का ये जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन यहां का यूं जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन यहां का यूं जा रहा होगा यूं जा रहे होंगे तो इसमें ये होता है कि इसमें ईएमएफ जो होते हैं वो एक इंड्यूस नहीं होते इसमें लाखों करोड़ों की तादाद में ईएमएफ एम इंड्यूस होते हैं हर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना ई अपना करंट इंड्यूस कर रहा होता है ठीक है और ये जब ये कहानी होती है ये जो हर इलेक्ट्रॉन ये ये करंट इंड्यूस कर रहा है जो ये, वो इसमें जो e हो रहा है वो हरकत में आ रहे हैं करंट बना रहे हैं तो ये जो कहानी है ये जो करंट ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स की जो कहानी है इसको कहते हैं हम एडी करेंट्स क्या होते हैं एडी करंट होते हैं किसी भी चीज में ये स्मॉल लोकलाइज्ड करंट्स

ठीक है सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड मैं इसका मतलब एज सच नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि एडी एडीकरेंट्स क्या है या ये कहानी क्या है या वो क्या है बातें वाते वगैरह दे वोंट आस्क uh, यू एडी करेंट्स की डेफिनेशन बताओ या नहीं लेकिन ये चीजें लिखने को आ सकती है ठीक है तो इसीलिए आई एम नॉट गिविंग यू एनी प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन या कोई चीज मैं इनको ऐसी इसीलिए पेपर्स के थ्रू ही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ क्योंकि अलग से समझा जाऊंगा किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो दिस इस इज इसीलिए पासवर्ड लगवा ठीक है सो so, सबसे पहले तो एक्सप्लेन बाई ऑफ द कोर राइजेज सबसे पहले तो आपको पता है भाई इंड्यूस हो रहा है इंड्यूस करने की शर्त क्या है यहां पे आपने ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल किया ठीक है सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू द दल्टरनेटिंग करंट इन द वायर राइट अगर डायरेक्ट करंट होता तो ये कहानी नहीं होती ड्यू टू द दल्टरनेटिंग करंट इन द वायर Due to this change in magnetic flux, many small, many small currents, yeah, many small EMFs are induced in the iron core in different paths. Paths bolo, yeah, localizations bolo. <coughs> डीज गिव राइज टू एडीकरेंट्स दैट हीट अप दन कोर एज दे फ्लो थ्रू इट्स रेजिस्टेंस ठीक है जी आज अब एक और नेचरल फिनमिना पे आ जाते हैं एक मैग्नेट एक प्लास्टिक ट्यूब में इसको फेंकोगे नीचे तो ये इसमें से आराम से जैसे जी के अपने वेट की वजह से करता हुआ नीचे जाएगा लेकिन अगर एक वैसा ही मैग्नेट एक एल्यूमिनियम ट्यूब में से फेंकोगे तो अब कहानी अलग हो जाएगी क्योंकि ये तो कंडक्टर था नहीं इसमें तो करंट इंड्यूस होने वाले नहीं थे लेकिन इसमें जब ये डालोगे इसमें तो इसमें अब करंट इंड्यूस होंगे और कैसे करंट इंड्यूस होंगे अब उसकी कहानी डिस्कस करते हैं ये एक अच्छी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए सवाल भी आए हुए हैं और कोई आपको अगर बना चाहिए तो आपको पता भी होना चाहिए इस, चा, इस चीज की कहानी का तो अगर इस मैग्नेट को इस एल्यूमिनियम ट्यूब में डालोगे ठीक है तो होगा क्या आई होप एवरी वन अग्रीज मी मैग्नेट इस ट्यूब के लिहाज से ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हूं ठीक है मैग्नेट की अपनी फील्ड लाइंस होंगी ठीक है जी और ऑब्वियसली जैसे जैसे मैग्नेट जो है वो इसमें से जाता जाएगा तो ये इस एल्यूमिनियम ट्यूब के थ्रू ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है अच्छा जब ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो यानी इसका मतलब लाजमी हुआ कि इसकी भी चेंज कर रही होगी जब फाइ चेंज कर रही है तो अगेन ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा बहुत सारे पॉइंट्स में अलोंग द एलुमिनियम ट्यूब अच्छा एलुमिनियम ट्यूब में ये बहुत सारे ई इंड्यूस करना शुरू करेगा उसकी वजह से क्या होगा उसकी वजह से इसमें बहुत सारे एडी करंट बनना शुरू होंगे तो इसमें एडी 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 करंट 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 बनेंगे बहुत सारे

कि ये जो एल्यूमिनियम ट्यूब है ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी यानी ये चेंज करना चाह रहा है यानी ये चेंज करना चाह रहा है कि ये नॉर्थ इसमें से चला जाए एल्यूमिनियम ट्यूब में से इट वॉन्ट्स टू पास स्ट्रेट थ्रू लेकिन जब ये जाएगा तो इसमें करंट इंड्यूस करेगा अच्छा अब जब करंट इंड्यूस होना शुरू हुए तो इस तरीके से ये छोटे छोटे पोर्शन में मैग्नेट बनता जाएगा

मैग्नेट बी को इसमें से फेंकोगे तो क्योंकि अब इसमें एक अपोजिंग चेंज है इसको अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैग्नेट बी विल फॉल स्लोली क्यों बिकॉज ये करंट्स जो इंड्यूस हो रहे हैं वो डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे नहीं भाई तुम नीचे नहीं आओ नॉर्थ हम इंड्यूस कर दे तुम रुको

एक्सपेरिमेंट एक कह लो कि आपके जो इलेक्ट्रोमैग इंडक्शन वाले चैप्टर में है ठीक है मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ मेरे पास मैंने रखा हुआ था लेकिन वो इतना काफी नहीं था उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस नहीं हो रही थी तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा खैर किसी दिन मैं आपको करके भी दिखाऊंगा सो ये कहानी है जो होती है ठीक है सो अब इसके बारे में आपको सवाल किया हुआ है द मैग्नेट्स डू नॉट टच दी साइड द ट्यूब्स एक्सप्लेन बाय मैग्नेट बी टेक्स मच लॉन्गर देन मैग्नेट ए टू फॉल थ्रू द ट्यूब तो आपको ये पूरी रीजनिंग देनी है और पांच मार्क का सवाल है ठीक है मतलब ये जो रीजनिंग के सवाल है इलेक्ट्रोमैग इंडक्शन के ये भी अच्छे खासे मार्क गेनिंग सवाल है चार पांच मार्क नौ मार्क का सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा एक ठीक है सो यू नीड टू बी एबल टू गिव सॉलिड आंसर और जो जो एग्जामिनर को चाहिए वो लिख कर आना आ, चा, आ, आना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले तो इनमें देखोगे अक्सर वेशर में कि सबसे पहले तो तुम्हें तो तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि फ्लक्स लिंकेज का चेंज है क्योंकि देखो अगर ई एम इसमें इंड्यूस करें तो मैग्नेट फ्लक्स लिंकेज का चेंज चाहिए होगा अच्छा ये ऊपर वाले केस में तो करंट था इस वाले में क्या है इस वाले में ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है ठीक है so, है सो इसकी वजह वजह से से मैग्नेट फ्लक्स लिंकेज में चेंज हो रहा है, जिसकी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो सबसे पहला पहला वाला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि ये आइडेंटिफाई करवाना कि मैग्नेट फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं ये कहानी हम जरा लिखते हैं एज द मैग्नेट फॉल्स इट इंड्यूसेस

सच दैट दे विल फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू अपोज द मोशन ऑफ द मैगनेट ठीक है जी तो मोशन ऑफ द मैग्नेट को अपोज करने की कोशिश करेंगे ऐसे करंट्स जो है वो इंड्यूस होंगे इसमें ठीक है एंड दैगनेट देर एक्सपीरियंसेस रेजिस्टिव फोर्स upwards ठीक है जी देर फोल एक्सपीरियंस इज रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड्स एंड द रिजल्टेंट एंडल्टरेशन ऑन इट इज लेस देन ठीक है जी जैसे मैं आपको समझा रहा था कि ये वाला जो है वो अपनी वेट के साथ गिर रहा है लेकिन ये ना ही सिर्फ वेट के साथ बल्कि इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स भी लग रही है ऊपर वाली डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही हुई ऊपर वाली डायरेक्शन में जो उसकी रिजल्टेंट फोर्स एंड देर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल से कम कर देगा ठीक है एंड सो देर इट इट फॉल विद इट विल फॉल एंड टेक लॉन्गर सही जी सो बस कहानी ये इसकी इतनी थी और इतनी बात हमने समझ ली थी ओके okay. अब uh, मैं बस इसका एक और सवाल करा आई थिंक मैंने अच्छे खासे सवाल करवा दिए एंड आई फील लाइक आप लोग कर लोगे

the magnetic flux density is reduced to zero in a time of 0.15 seconds ab reverse nahi kiya ab zero kariye theek hai show that the average emf induced in the coil is 3.6 millivolts theek hai ye dobara se karwa raha hu अब इसको ध्यान में रखिएगा ये किस तरह से हो रहा है EMF will equals to minus d phi by dt, डी law. लेंजेज now एक्चुअली ना उसके बाद क्या कहानी है उसके बाद ये कहानी है फाइव को कैसे लिख सकते हो आप फाइव को आप लिख सकते हो बी इंटू एरिया से और ये हो डी डीटी उसके बाद क्या है आपके पास एरिया इधर आ जाएगा एरिया एंड देन इंटू डी बी बाई डी टी अच्छा नाउ डी बी बाई डी टी क्या है आपका बी फाइनल क्या है आपने जीरो कर दिया अपनी मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी को बी इनिशियल क्या था बी इनिशियल था सेवन पॉइंट फाइव मिली टेस्ला ठीक है और कितना टाइम लिया आपने जीरो पॉइंट सेकेंड लिया तो अब जरा जो है वो ये सारी चीजें डालना शुरू करते हैं सो एरिया कैसे निकलेगा आपको डायामी दिया हुआ टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर अब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है सो दिस विल बी पाए इन टू आपका सो पाई डी वाला फॉर्म लगा रहा हूं सो पाई डी कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर अपॉन फोर इससे आ जाएगा आपके पास एरिया Then b by dt is basically, ye basically कहानी क्या है डेल्टा बी बाई डेल्टा टी ठीक है डेल्टा बी बाई डेल्टा टी है एंड माइनस एरिया इन टू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी अच्छा बी फाइनल क्या था बी फाइनल था जीरो बी इनिशियल क्या था वो सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री टेस्टला था डिवाइडेड बाई डेल्टा टी डेल्टा टी आपके पास जीरो पॉइंट वन फाइव सेकेंड आ रहा है जब आप ये पूरी कहानी कर लो ई एम एफ एक टर्न का ढूंढ लो तो फिर एक सौ साठ टर्न का जो आपको ढूंढना है असल में, उससे फिर मल्टीप्लाई कर लेना आसान like है और इस तरह से ज्यादा अच्छे तरीके से आप इसको एंड में जो है वो हर चीज मल्टीप्लाई कर लोगे एंड दिस विल गिव यू योर आंसर वर्किंग आउट टू बी दिस इज वर्किंग आउट टू बी थ्री पावर माइनस कोई कंफ्यूजन ना हो अब जो नेक्स्ट सवाल दूंगा वो, सब जो है वो मेरे लिए करेंगे वो सारी give, give time, pen वो वो अच्छा उससे पहले ये जरा देख लेते हैं ठीक है अच्छा सवाल है ये मैंने पहले करवाया लेकिन ऐसा सवाल मैंने नहीं करवाया जिसमें बाकायदा मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ दिया हुआ है विद वैल्यूज एंड एवरी थिंग एंड यू ड्रॉ दफ वाला ग्राफ ठीक है तो लेट्स डू दिस द मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी इन द कॉइल बी इज नाउ वैरी विद टाइम टी एज शोन इन फिगर 9.1 इन आई शुड फिगर 9.2 तो आपको नजर आ रहा है बी जो है वो इस तरह से वैरी किया जा रहा है ऑल द टाइम इट इज बीइंग वैरीड ऑल द टाइम अच्छा और आपको अब ईएमएफ बनाना है क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या रिकॉल करना है ईएमएफ क्या था ईएमएफ था -dΦ dt

वो भी जीरो ही होगा अच्छा अगर e. जीरो आ रहा है, अच्छा अब नाउ हमें यहाँ पे दिखता है यहाँ पे एक नेगेटिव ग्रेडियंट है वो तो हमें दिख रहा है ठीक है अच्छा ये नेगेटिव ग्रेडियंट की अब हमें क्या करनी पड़ेगी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अच्छा मजे की बात क्या है उन्होंने आपको ये वाली कैलकुलेशन करवाई है ये सेवन पॉइंट फाइव मिली टेस्ला है 7.5 मिली टेस्ला से आप जीरो मिली टेस्ला पे गए थे जीरो पॉइंट वन से ये में हुआ ठीके? तो आपने असल में ये वाला जो ई है ये अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था दैट इज थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस थ्री तो ये जो ग्रेडियंट आ रहा है ये जो, बेसिकली जो इस पे जो एफ आ रहा है वो क्या आएगा

मेरे हिसाब से जीरो तो पॉइंट थ्री फाइव ठीक है मुझे जहां तक नजर आ रहा है है This is time, और जो आपका जो बी है दैट इज जीरो पे है बी तो ये ये वाला पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पता नहीं कहाँ आ रहा है This is तक्रीवन, तक्रीवन ये ग्राफ, थोड़ा मेरे पास इधर जो है वो हो रहा है This is तो ये वाला जो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वो जीरो पॉइंट फोर टू आ रहा है और काम कॉमा वाई वैल्यू क्या है इसकी वाई वैल्यू इसकी है ये माइनस सेवन पॉइंट फाइव मिली टेस्ला टैसलाइनस सेवन पॉइंट फाइव आ रही है सो दिस इज अ और ये जो है वो अब, आ रहा। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं आपको करने के लिए दो तरीके क्या हैं कि आपने जैसे इस पोर्शन का ई निकाला था यू वर्ड आउट बीटा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल टाइम से डिवाइड किया उसके एरिया से मल्टीप्लाई किया फिर नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया आप वही कर सकते हो ठीक है आप ये कर सकते हो कि यह देख लो ये गया है जीरो से माइनस सेवन पॉइंट फाइव पे तो यह बी इनिशियल बी फाइनल ठीक है जी ये बी इनिशियल ये बी फाइनल तो ये आप डालोगे टाइम का चेंज लोगे जीरो पॉइंट फोर टू माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव वो टाइम का चेंज आ गया एरिया वही है कॉन्स्टेंट और फिर आप कर लोगे तो यू कैन वर्क दी ई थ्रू दैट ठीक है ग्रेडियट का फॉर्मूला लगा दें बेसिकली uh, एमन देखो ये ग्रेडियंट का ही इधर ये क्या था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ग्रेडियंट ये होता है डेल्टा वाई माइनस बी इनिशियल ओवर दट टाइम का चेंज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो, तो इधर भी y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये जो ये डी बी बाई डी टी है असल में ये ग्रेडियंट ही है ठीक है दिस इज ग्रेडियंट ही तो जैसा है आप यही कर सकते हो यू कैन यूज द ग्रेडियंट का फॉर्मूला लेकिन ये याद रखना ग्रेडियंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए आपको फिर भी एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन आपको टर्न से भी मल्टीप्लाई करना ठीक है उससे छुटकारा नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आपने ग्रेडियंट ढूंढ लिया सिर्फ तो वो सिर्फ आपने डी बी बाई डी डी ढूंढा ला आपने बाकी कहानी नहीं ढूंढी तो आपको बाकी कहानी मल्टीप्लाई तो करनी अच्छा अब एक तरीका ये है कि आप पूरी खुआारी करो और दोबारा से पूरी चीज करो ठीक है यू डू द सेम थिंग अगेन पूरा ई एम एफ वैसे कैलकुलेट करो या एक दूसरी कहानी आपको जरूर पता चल गई है इधर और वो कहानी क्या है ई एम एफ इज माइनस डी बी बाई डी टी ई एम टू के टाइम्स डी बी बाई डी टी ऐसा ही है नाउ ई इक्वल्स टू के टाइम्स डी बी बाई डी टी अगर मैं एक डी बी बाई डी टी वन की बात कर रहा हूं और मैं एक ई एम एफ वन की बात कर रहा हूं सो ई एम एफ वन अपॉन डी बी बाई डी टी विलवल्स टू के जो किसके बराबर होगा अगर मैं उसके करेस्पॉन्डिंग एक और ई एम एफ टू ले लू और उसी के साथ करेस्पॉन्डिंग डी बी बाई डी टी टू ले लूं, जो उसके साथ एसोड हो सो यूजिंग दी कॉन्सोटी जो हम करते हुए मुझे भाई पहले वाले पार्ट का ई एम एफ वन पता है मुझे उसका डी बी बाई डी टी भी पता है

जो क्या आ रहा है जो डीबी वाई डी टी टू है तो यानी मतलब ये जो इसका जो ई एम एफ निकालना चाह रहे हो इसके इसका ग्रेडियंट चाहिए होगा डी बी बाई डी टी इज द ग्रेडियंट सो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा y2 माइनस जीरो अपॉन कितना टाइम लिया आपने टाइम लिया जीरो पॉइंट फोर टू जीरो पॉइंट थ्री फाइव फोर टू पे खत्म किया तो आपका जो टाइम का चेंज आ रहा है वो जीरो पॉइंट फोर टू माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव ठीक है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो आप ई एम एफ वन अपॉइंट डी वी बाई डी टी वन यानी प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज लेके भी कर सकते हो अगर करना चाहो वरना ये भी कर सकते हो कि ये चीज तो कॉन्स्टेंट ही है वन सिक्सटी भी वहीं का वहीं है बस इसमें जो है वो आपका जो जो अब आएगा ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ जो अब आएगा वो मल्टीप्लाई कर दो तो आके पास वैल्यू

3 into power minus 3. ये पूरी नीचे वाली चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है और आपकी ये सारी चीज जो है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगी, रहेगीवन पॉइंट फाइव इंटू टेंट फाइव ठीक है जी सो ये आपका ई एम एफ टू आएगा

तो अब जरा अब हम ग्राफ बना लेते हैं अच्छा नाउ जीरो से लेके जीरो पॉइंट तक ई एम एफ जीरो दिखाना आपने जीरो तो दिखाया ठीक है जी थिकर पेन उसके बाद क्या है आपका उसके बाद आपका ई एम एफ थ्री पॉइंट सिक्स इंटरवोल्स हुआ सो टू टू पॉइंट फोर टू पॉइंट एट थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट सिक्स यानी ये वाली वैल्यू So, ये इधर से इधर उठेगा और कब तक रहेगा ये 0.25 तक ये वैल्यू रहेगा सो so, 0.25 तक ये ये वैल्यू रहेगा ठीक है चलिए यहां तक दिस विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू ऑन दिस ठीक है आई होप क्वेश्चन आया कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट था सो so ये इधर कॉन्स्टेंट वैल्यू ही बना ठीक है अच्छा जी उसके बाद क्या है आपके पास उसके बाद आपके पास ये है कि आपने कहा ईएमएफ 0 0.25 से 0.35 तो 0.25 से बस जरा 0.35 पे चलते हैं वहां पे हमारा ईएमएफ जीरो है अच्छा जी वहां तक आ गए हम उसके बाद क्या है हमारा ईएमएफ 7.32 इनडवार माइनस थ्री है तो 7.32 जरा दिखा देते हैं वो तकरीबन 7.2 इश कहीं करीब होगा सो लेट्स ड्रा दैट सेवन पॉइंट टू तक इधर सेवन पॉइंट थ्री टू थोड़ा सा इससे ऊपर होगा यानी ये वाली लाइन है अच्छा जी सो इट्स समवेयर ओवर हियर इधर एंड ये इस तरह से चल रहा है और कब तक चल रहा है ये चलेगा जीरो पॉइंट फोर टू सेकेंड तक तो हमें जो है वो इसको जरा जीरो पॉइंट फोर टू सेकेंड दिखाना है दिस इज जीरो पॉइंट फोर जीरो और फिर ये इस तरीके से ये हो गया एक्चुअली नाउ कुछ चीजें इसमें इसमें जिस जो इस हो रही होंगी ये मेरे हिसाब से चार मार्क्स से कम का सवाल नहीं होगा ठीक है दिस वुड बी फोर मार्क्स या इवन फाइव मार्क्स टू ड्रॉ जस्ट दिस ग्राफ इसमें क्या क्या ख्याल रखना है सबसे पहले तो दे वुड बी लुकिंग फॉर यू टू आइडेंटिफाई दीज ई एम एफ ये जो जीरो जीरो वाले ई एम एफ है ये तो आपने सही बना बनाने अच्छा दूसरी कहानी है कि जो आप ये जो ई एम एफ बनाओगे क्योंकि था तो एक कॉन्स्टेंट ई एम एफ आना चाहिए या नहीं दिखाया अच्छा दूसरी बात ये कि आपको नजर आ रहा है दिस वॉज नेगेटिव ग्रेडियंट और ये वाला भी एक नेगेटिव ग्रेडियंट था तो e क्योंकि माइनस डी फाइव होता है यानी ई एम एफ माइनस से मल्टीप्लाई होकर आता है तो यानी ये जो दो कॉन्स्टेंट वैल्यूज आनी थी ये क्या आनी थी

टॉपिक की पीक ये अपनी पीक पर है अभी टॉपिक मतलब इसमें इस ये ये जो, ये ये जो जो सवाल है ना ये सबसे दुनिया का मुश्किल तरीक सवाल है ठीक है इससे ज्यादा मुश्किल चीज नहीं आएगी लेकिन अगर ये आ गई तो इसमें टाइम लगा के खुआारी करके हर पॉइंट ग्रेडेंट करके हर चीज करके फिर आएगा आंसर वरना नहीं आएगा, आएगा आंसर ठीक है आई होप सबको ये सारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ये सब चीजें समझ में आई हो कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लो इलेक्ट्रोमेग इंडक्शन में

नीचे जो है वो बाहर आ रहा है इसमें फील्ड लाइन कैसे बनाऊंगा इन साइड वाइड नॉट आउट साइड इन साइड नाइड वो कैसे बनेगी एमन वेर इज साउथ एंड वेर इज नॉर्थ ये तो बताओ बात तो और आपने क्या बोला आपने बोला एस टू एन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही एमन ये याद रखिएगा कि सोलेंड के अंदर फील्ड लाइन्स गो साउथ टू नॉर्थ ठीक है जी तो सोलेंड uh, uh, के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाएंगी वैसे नॉर्थ टू साउथ जाती है ठीक है सो so, साउथ का है और नॉर्थ का है ईवन I mean, आपका जो आंसर है वो मैं बाद में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में बाकी सब भी आंसर दे दें राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल कौन सा राइट हैंड ग्रिप रूल राइट हैंड ग्रिप रूल यू टू यूज योर राइट हैंड ग्रिप रूल अब देखोगे अब आप अपनी अब, आ, आ, यू फेस द स्क्रीन ठीक है मुझे भी देखते जाओ और स्क्रीन उसके, आ, स्क्रीन को भी फेस करते जाओ तो आपको क्या नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा है टॉप ऑफ द कॉइल में करंट जा रहा है इनसाइड तो आपकी उंगलियां करंट से तो करंट जा रहा है इन अच्छा घूम के कहां आता है नीचे नीचे से से बाहर निकलता है है तो यानी नीचे से आपकी तरफ आता ठीक है, है सो ऊपर से अंदर जाता है नीचे से आपकी तरफ आता है सो यानी करंट जो है वो यूं जा रहा है करंट यूं जा रहा है अच्छा अपना थम अपना बड़ा कर लो थम किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है थम पॉइंट कर रहा है टू द लेफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या हुआ लेफ्ट का मतलब हुआ ये वाला नॉर्थ ये वाला साउथ अब बहुत सारे तीन मार्क का सवाल है सिर्फ फील्ड लाइन बनाने का एक मार्क के हुआ होने चाहिए थे ये सवाल तीन मार्क का वो क्या क्या देखना चाह रहे सबसे पहले तो उनको ये देखना है कि आपको ये नॉर्थ साउथ मार्क करने आते हैं आपको ये पता है नॉर्थ साउथ कैसे निकालेंगे आप तो सबसे पहले तो आपने ये निकाला इसका एक मार्क दूसरी बात ये ये याद रखने का कि सोलडवाइट के अंदर कहानी अलग होती है तो एक कहानी एक और अलग आ गई और जो तीसरा मार्क है वो ये याद रखना कि सोलनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो जो आप अपनी फील्ड लाइंस बनाएंगे वो पैरेलल बनाएंगे और इक्वली स्पेस्ड बनाएंगे ताकि आप उनको ये दिखा सको कि मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई है सबको बात क्लियर तब जाके आपको जो है वो तीन मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे ये जो फील्ड लाइन बनाने वाले सवाल है

मतलब करंट पे नहीं पहुंचा करंट आता 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 अपनी वैल्यू पे पहुंचता है तो वी नीड टू यूज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमै इंडक्शन क्योंकि अब देखो आपने ये सॉफ्ट आयरन कोर लगाया हुआ है है वो आपने लगाया हुआ है। तो वाई इज द करंट इंक्रीजिंग इन द सर्किट ग्रेजुअली वाई नॉट एकदम सी ऐसा क्यों है करंट यू क्यों जा रहा है करंट फॉरन से यू क्यों नहीं बढ़ता इंस्टेंटेनियसली क्यों नहीं बढ़ता तो वी नीड टू एक्सप्लेन दिस सो so, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन वही है कि भाई देखो जब आप ये बंद करते हो तो सपोज करो अब इसमें से टेन एम्पेयर फ्लो करते हैं टेन एम्पेयर इसमें से फ्लो करेंगे अब जब टेन एम्पेयर इसमें से फ्लो करेंगे ठीक है अब देखो कहानी कहाँ की है कहानी ये है कि जब स्विच बंद किया जा रहा है जब स्विच बंद किया जा रहा है जब स्विच बंद किया जा रहा है तब उस वक्त कहानी क्या है तब उस वक्त कहानी क्या है कि उसमें आप करंट इंक्रीज मतलब करंट अब बढ़ना शुरू मतलब वो क्या चाह रहा है करंट आ रहा है जम्प कर दाऊ आप स्विच बंद कर रही हूं करंट चाह में टेन एम्पर्स अच्छा अब क्योंकि ये करंट चाह रहा है कि मैं टेन एम्पर्स पे चले जाऊं तो इज इन देर मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी जो है वो बी ए है अच्छा, बी के तमाम फॉर्मूला में इसमें करंट आता है सो so, बी हमें पता है कि बी जो है वो ठीक तो है जाने की कोशिश कर रहा है इसकी कोशिश में होते हुए ये ग्रेजुअली इंक्रीज जो कर रहा है उसकी वजह से फाइव में चेंज प्रोड्यूस होगा जब फाइव में चेंज प्रोड्यूस होना शुरू हो गया तो जब फाइव में चेंज प्रोड्यूस होता है तब क्या होता है तब होता है ई एम एफ इंड्यूस अब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होते हुए क्या करेगा इसमें छोटे 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 बहुत सारे एडी करंट बनाएगा जब इसमें छोटे छोटे बहुत सारे एडी करंट बने तो वो इंड्यूस कैसे होंगे वो इंड्यूस ऐसे होंगे कि दे विल प्रोड्यूस अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू अपोज द चेंज वो चाहेंगे करंट जो बढ़ना चाह रहा है वो चाहेंगे करंट को रोके नहीं तुम नहीं बढ़ो रोको ऐसे करंट इंड्यूस होंगे वो फोर्स लगाएंगे अलग तरीके में वो एक इंड्यूस करेंगे करंट वायर में एक डिफरेंट तरीके में तो होगा कि होगा ये कि करंट जो है वो फिर आहिस्ता 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 इंक्रीज करता है पूरी आपने जो ये कहानी है ये तीन मार्क्स की चार मार्क्स की जो भी होगी आपको लिख की कहानी होगी हर दफा और इसमें जैसे मैंने आपको बोला मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूं तो यू नीड टू बी एबल टू राइट दिस कहानी डाउन ठीक है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज चेंजिंग सबसे पहले तो आपने ये बताना होगा कि ई इंड्यूस क्यों हो रहा है क्योंकि मैग्नेट फ्लक्स लिंकेज इज चेंजिंग क्यों चेंज कर रही है चेंजिंग एज करंट इज इंक्रीजिंग इन द सर्किट क्योंकि जब आप जो है वो स्विच बंद करोगे तो जीरो से किसी वैल्यू पे वो बढ़ना चाह रहा है राइट इज इंक्रीजिंग इन द सर्किट ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स emfs are induced in the iron core that cause small eddy currents in it according to lenz's law these currents are induced to produce opposing magnetic fields that hinders